अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद का आज जन्मदिन है। सर सैयद अहमद खान के 204वें जन्मदिन पर एएमयू में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। फजर की नमाज के बाद एएमयू की जामिया मस्जिद में कुरान पढ़ी गई। सर सैयद के मजार पर कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर ने फूल चढ़ाए और उनके बताए रास्ते पर चलकर शिक्षा का दिया जलाने का संकल्प लिया। देखिए, हम सब लोगों को मुबारकबाद देते हैं सर सैयद डे पे, इसलिए ये एक ऐसा दिन है जिसके पूरे दुनिया में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एलुमनाई हैं, वेल विशर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टाफ है, चाहे वो अलीगढ़ में हो चाहे वो अलीगढ़ से बाहर हो, दुनिया के किसी कोने में हो, वो आज इस डे को सेलिब्रेट करता है और अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट होता है। कुछ जगह पे कम्यूनिटी मीटिंग्स होती हैं, डिनर्स होते हैं, मुशायरा होता है, तो ये पूरा जो है एक सिलसिला है। सर सैयद अहमद खां की मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। प्रोफेसर तारिक मंसूर जो कि कुलपति हैं एएमयू के, उन्होंने चादर चढ़ाई और शिक्षा का दिया जलता रहे इसका संकल्प लिया। बड़ी खबर, विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। नितिन अग्रवाल बीजेपी विधानमंडल दल कार्यालय पहुंच गए हैं। नामांकन भरने से पहले कार्यालय पहुंचे हैं नितिन अग्रवाल। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, लखनऊ से विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव चल रहा है। नितिन अग्रवाल बीजेपी विधानमंडल दल के कार्यालय पहुंच गए हैं। नामांकन भरने से पहले कार्यालय पहुंचे हैं नितिन अग्रवाल। अनुभव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुभव, आप किस तरह प्रक्रिया आगे रहने वाली होगी और पल पल क्या घटनाक्रम फिलहाल हो रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, चूंकि आज नामांकन का दिन है, जो विधानसभा में उपाध्यक्ष का पद है जो लंबे समय से खाली है और इस पर चुनाव कल होना है, इससे पहले आज नामांकन का दिन है और 11 बजे से लेकर 1 बजे तक ये नामांकन होगा। और अगर हम कहें तो नितिन अग्रवाल जो कि बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं इस चुनाव के लिए, वो पहुंचे हुए हैं विधानमंडल दल कार्यालय में पहुंचे हुए हैं। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी पहुंचे हैं, कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी पहुंचे हैं, ये सभी लोग पहुंचे हैं और यहाँ पर चूंकि इनका पर्चा भरवाना है इसलिए कई और विधायक भी पहुंचे हुए। एक प्रस्तावक की जरूरत होती है, एक समर्थक की जरूरत होती है और दोनों विधायक होने चाहिए। तो बीजेपी का जो विधानमंडल दल का कार्यालय है इस वक्त पूर्ण हमें विधायकों से भरा हुआ नजर आ रहा है और थोड़ी देर में वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। देखिए, लंबे समय से हम कह रहे हैं, तकरीबन एक दशक से ये जो पद है वो खाली चल रहा है और समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो उनकी तरफ से जो उम्मीदवार है वो भी पहुंचे हैं अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और आप इस पूरी घटनाक्रम पर नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे।